friends, I am Vaishali English Language Trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में सीखा था लाइफ टाइम सेंटेंस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लाइफ टाइम सेंटेंस सीखे थे। लाइफ टाइम सेंटेंस जो था उसका जो बेसिकली था वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही था वो सेम, बस हमने उसको लाइफ टाइम सेंटेंस करके न्यू नेम बोलते थे हम उसको इंग्लिश स्पोकन में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो हम ग्रामरिकली जानते हैं, लेकिन लाइफ टाइम सेंटेंस वो हम अपने स्पोकन में जानते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है वो हमारी लास्ट वीडियो का ही एक बेस है। लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी लाइफ टाइम सेंटेंस, उसी के बेस पर है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास जो है हमारी ये है कि हम उसमें कन्फर्मिंग क्वेश्चन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव आंसर बोले थे, फर्स्ट पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर, सेकंड पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर बोले थे और थर्ड पर्सन के लिए भी हमने पॉजिटिव आंसर ही बोले थे। जो और जो हम आज सीखेंगे वो हम सीखेंगे कन्फर्मिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कन्फर्म कैसे करना है, सेकेंड पर्सन से अगर हमें कन्फर्म करना है तो हम वो कैसे करेंगे, तो आज से हम वही वाले सेंटेंस सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी यूज ऑफ डू एंड डज, डू और डज का यूज। डू और डज के यूज से हम सीखेंगे कन्फर्मिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को कन्फर्म करना है हमें डू डज के थ्रू, डू डज के थ्रू हम कन्फर्मिंग क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें भी हमें वही करना है, इज एम आर का यूज नहीं करना है। इज एम आर का यूज हमें लाइफ टाइम के सेंटेंस में इज एम आर का यूज नहीं करते, लास्ट वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में भी आपको इज एम आर का यूज नहीं करना है बिकॉज इट्स अ बेस ऑफ लास्ट वीडियो। अब देखिएगा, सपोज देखा भी देखिए आई एक्शन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था हम अपने स्वयं के बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। आई एक्शन अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बताएंगे, सेकंड पर्सन के लिए हमें कंफर्म करना है। सेकंड पर्सन से ही तो कंफर्म करेंगे हम, तो हम उसके लिए कंफर्म करेंगे तो उसी से क्वेश्चन करेंगे, अपने लिए हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर बताएंगे। देखिए आई एक्शन अपने बारे में बताएंगे एंड सेकंड पर्सन से हमें करना है क्वेश्चन, तो हम कैसे बोलेंगे डू यू एक्शन। जो हमारी जो ये होती है टाइम वर्ड होता है हमारा डू और डज, तो हमारा सेकंड पर्सन के लिए डू है और थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के साथ डू का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज करेंगे। तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए डू हमें बाहर निकाल लेना है, टाइम वर्ड है वो हम टाइम वर्ड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डू यू एक्शन। आज की जो क्लास में अगर आपको ये सब समझ जाएंगे डू डज, तो हमारे आगे की जितनी भी नेक्स्ट क्लास है वो इसी पर भी आधारित है। देखिए डू यू एक्शन, ठीक है, डू वाले जो हमारा सेकंड पर्सन है वो हमें निगेटिव आंसर देगा, निगेटिव आंसर देगा तो कैसे बोलेंगे नो आई डोंट एक्शन, ठीक है, सेकंड पर्सन आंसर दे रहा है नो आई डोंट एक्शन। अब सेकंड पर्सन ने हमें निगेटिव आंसर दे दिया तो अब हम थर्ड पर्सन से कन्फर्म करेंगे, थर्ड पर्सन से कन्फर्म करना है तो हम डज से क्वेश्चन करेंगे। याद रखिएगा थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है और वो हमारा लाइफ टाइम का क्वेश्चन है तो हम डज से करेंगे, डज शी या ही एक्शन, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन है वो हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, शी हो सकता है या कोई ही हो सकता है थर्ड पर्सन में, या कोई नेम भी हो सकता है, और एक्शन में हम एस या ईएस लगाएंगे। लास्ट वीडियो में बताया था थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ईएस का यूज करेंगे। अगर आपको अभी भी अपने पर्सन जानने में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लास्ट वीडियो खोलकर देखिए, उसमें आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते, आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ या चलाती हूँ, आई राइड अ बाइक, ठीक है, या तो आपने पॉजिटिव आंसर बता दिया आपने, यानी आई राइड अ बाइक, आप बाइक चलाते हो, चलाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन से हमें क्वेश्चन करना है, क्या तुम बाइक चलाते हो, क्या तुम बाइक चलाते हो, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए क्या तुम बाइक चलाते हो, इसे क्या है आप सेंटेंस में हिंदी में सोचो, चलाना, ठीक है, चलाते हो, किससे आ गया ना, हमने पहचान बताई लास्ट वीडियो में, ताती ते आते वो हमारे लाइफ टाइम सेंटेंस होते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है तो हम डू से क्वेश्चन करेंगे, तो डू यू राइड अ बाइक, कैसे करेंगे क्वेश्चन, डू यू राइड अ बाइक, आई राइड अ बाइक, डू यू राइड अ बाइक, ओके। सेकंड पर्सन हमें दे रहा है नेगेटिव आंसर, नो आई डोंट राइड अ बाइक, हमें जो नॉट है वो डू के बाद लगाना होता है, नो आई डोंट राइड अ बाइक, क्या बोले, नो आई डू नॉट राइड अ बाइक, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही हमारी डोंट होती है,
नो आई डोंट राइड अ बाइक, नहीं मैं बाइक नहीं चलाता हूँ। हमने सेकेंड पर्सन से क्वेश्चन करा, उसने हमें निगेटिव आंसर दे दिया। अब हमें पॉजिटिव आंसर लाना है, तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है, डज शी राइड अ बाइक, क्या वो बाइक चलाती है? डज ही राइड अ बाइक, क्या वह बाइक चलाता है? डज योर ब्रदर राइड अ बाइक, क्या तुम्हारा भाई बाइक चलाता है? थर्ड पर्सन के लिए जो हमें क्वेश्चन करना है वो हमें डज से करना है, ठीक है? याद रखना डज से करना है, सेकंड पर्सन से करना है तो डू से करेंगे हम। डज शी राइड अ बाइक, आंसर देना है पॉजिटिव, आंसर देना है पॉजिटिव, यस शी राइड्स अ बाइक। थर्ड पर्सन के साथ हम ऐसे आई एस का यूज करते हैं, वो भी जब करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर होगा। थर्ड पर्सन के साथ हम एस या एस का यूज करेंगे तब जब पॉजिटिव आंसर हो। आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, थर्ड पर्सन हो तभी हम ऐसे एस का यूज करेंगे। देखिए यस सी राइड्स अ बाइक, यस ही राइड्स अ बाइक, हाँ वह बाइक चलाता है या हाँ वह बाइक चलाती है। देखिएगा इसी के थ्रू हम कुछ एक्शन देखते हैं। एक्शन है भाई, फर्स्ट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश मीन्स स्पीक बोलना, ये सब हमारी एक्शन है। सेकंड देखिए वर्क ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करना। टेक स्नैक्स, टेक स्नैक्स किससे होता है भाई? टेक स्नैक्स जो हम शाम की चाय पीते हैं उसके साथ जो हम हल्का खाते हैं, चाय बिस्किट नमकीन चिप्स वगैरह सब स्नैक्स होते हैं। स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। फोन योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को फोन करना। अर्न मनी धन कमाना। अंडरस्टैंड द फ्रेंच, फ्रेंच समझना, ठीक है? अर्गो फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको समझना। अर्गो बहस करना। एंड प्ले पबजी, पबजी खेलना। टॉक ओवर फोन, फोन पर बात करना। ये हमारी एक्शन है, इन एक्शन को आप कॉपीराइट कर ले, और अगर आप कॉपीराइट करेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए हमें इन एक्शन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। देखिए आई और एक्शन, आई एक्शन तो आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है? मैं इंग्लिश बोलती हूँ, यानी आई स्पीक इंग्लिश। अब मुझे यही क्वेश्चन सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है, आपसे कंफर्म करना है, तो बोलोगे आई स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो हम कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, आपको नेगेटिव आंसर देना है। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यहाँ देखें नो आई डोंट, प्लस एक्शन, एक्शन क्या है हमारे? स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है? अब आपने नेगेटिव आंसर दे दिया, मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए करूंगी अब क्वेश्चन। डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश या डज ही स्पीक इंग्लिश? पॉजिटिव आंसर देना, यस यस शी स्पीक्स इंग्लिश, हम यहाँ पर एस जोड़ देंगे, स्पीक्स बोल देंगे, यस सी स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोलती है, यस सी स्पीक्स इंग्लिश। और थर्ड पर्सन ही हुआ तो हम क्या बोलेंगे? यस ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके नेक्स्ट बोलो, देखो वर्क ऑन कंप्यूटर, आई वर्क ऑन कंप्यूटर, डू यू वर्क ऑन कंप्यूटर? पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव दे दीजिए, यस आई वर्क ऑन कंप्यूटर। देखिए टेक्स्ट नेक्स्ट, स्मोक, फोन योर फ्रेंड, अर्न मनी, अंडरस्टैंड द फ्रेंच, अर्न, प्ले पबजी, टॉक ओवर फोन, इन सभी एक्शन को आप इसी स्ट्रक्चर के और इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, कॉपीराइट करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पर्सन या फिर बेसिक नॉलेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उससे भी जुड़ी सारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास भी समझ आई होगी, जो हमने डू डज का यूज करना सिखाया है। डू डज के यूज से हमारी नेक्स्ट क्लास में जितने भी सारे वर्क है वो इसी पर इसी के बेस है, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी राइट करें। तो आज की आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।